हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस तरह से एक बैटरी लेवल इंडिकेटर बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी बैटरी कितने परसेंट चार्ज है ये दिखाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स, ये 12 वोल्ट बैटरी इंडिकेटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी बैटरी फुल चार्ज है, इसलिए सारी LED ग्लो हो रही है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे बनाए गए ये। फ्रेंड्स, हमें कुछ चार LED चाहिए होगा। फ्रेंड्स, जो लंबी वाली लेग है वो हमारी पॉजिटिव होगी। फ्रेंड्स, अब हम इन चार LED को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट वाला लेग है वो हमारा नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, और ये लास्ट वाला लेग है जो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। फ्रेंड्स, अब हम हर एक LED के बीच में एक 1K का रजिस्टर यहाँ पर सोल्डिंग करेंगे। देख सकते हो फ्रेंड्स, हम इस तरह से यहाँ पर 1K का रजिस्टर सोल्डिंग करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक वायर लेंगे। देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने इस वायर पर किस तरह से कट लगा दिए हैं, जो कि हम यहाँ पे फ्रेंड्स हर एक रजिस्टर पे इस वायर को इस तरह से सोल्डिंग करेंगे। देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वायर सोल्डिंग हो गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये वायर मैंने सोल्डिंग किया है, ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। और फ्रेंड्स, जो ये रजिस्टर की एक्स्ट्रा लेग है, इसको हम कटर की मदद से कट कर देंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा नेगेटिव वायर रहेगा वो हमारे LED की यहाँ पर सोल्डिंग होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक डायग्राम दे दूंगा, आप उसे देख के आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने PVC पाइप से कट किया हुआ एक टुकड़ा ले लिया है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे मार्क करेंगे और बाद में इस PVC पाइप के टुकड़े में हम होल कर देंगे। आप किसी चीज़ से भी कर सकते हैं, सोल्डिंग आयरन की मदद से भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर होल कर दिए हैं और LED हमारे यहाँ पर इस तरह से फिक्स हो जाएगी। और फ्रेंड्स, हमारा बैटरी लेवल इंडिकेटर जो हमारा बन के तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इन रजिस्टरों को मैं इस तरह से बैंड कर देता हूँ, एक यहाँ पे निकल गया, बाद में इसको सोल्डिंग कर दूँगा। और फ्रेंड्स, इस तरह से हम यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे। अभी हम फ्रेंड्स इसमें एक टेप लगा देंगे ऊपर से, ताकि ये आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। देख सकते फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप ले लिया है और मैं यहाँ पे इस तरह से इसको पैक कर दूंगा, और ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो आपस में। फ्रेंड्स, बैटरी लेवल इंडिकेटर बन के हमारा तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 3.7 वोल्ट की बैटरी ले रहा हूँ एक। अभी मैं इसमें भी आपको चेक करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स, ये कितना चार्ज है। देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक LED फुल ग्लो हो रही है, सेकंड वाली LED थोड़ा हाफ ग्लो हो रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक ड्रिल मशीन की बैटरी ले ली है, जो कि 12 वोल्ट की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, अब मैं इस पर इसको चेक करूँगा, इस बैटरी लेवल इंडिकेटर को, कि ये बैटरी हमारी फुल चार्ज है, तो ये इसमें कितना दिखाता है कि कितना चार्ज है या नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव पे कनेक्ट कर देता हूँ और नेगेटिव को नेगेटिव पे कनेक्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सारे के सारे LED ग्लो हो रही है, इसका मतलब ये बैटरी फुल चार्ज है हमारी। फ्रेंड्स, इस इंडिकेटर को मजबूत करने के लिए मैं यहाँ पे पूरा इसको टेप मार दूँगा, यहाँ पे इस तरह से एक बार और घुमा दूँगा मैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इंडिकेटर हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक और 12 वोल्ट की बैटरी है, इससे भी मैं इसको चेक करूँगा कि ये कितना इंडिकेटर दिखाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 12.1 वोल्ट हो रहा है हमारा। और यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस बैटरी में, और इस पर भी मैं इंडिकेटर लगा के चेक करूँगा कि ये यहाँ पर कितना चार्ज दिखा रहा है हमें। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमारी बैटरी फुल चार्ज है, तो यहाँ पर सारी की सारी LED फुल ग्लो हो रही है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।